फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज सीन कुछ ऐसा है, अभी मैं जा रहा हूँ अपने मिसेस पटेल को लेने के लिए और अभी एक फैमिली ट्रिप होने वाला है जहाँ हम जा रहे हैं भुवनेश्वर जाएंगे, पूरी कोणार्क और जाएंगे कालीजाई टेम्पल, इतना घूमना है। तो मैं ये आधे रास्ते तक हो चुका हूँ, मैं मिसेस पटेल के यहाँ वो मायके गई हुई हैं, तो वहाँ से मैं मम्मी पापा मिसेस पटेल और एक अपना भाई है, पांच लोग हो गए हम, तो ये हम चलेंगे आज रात को ही। चंद्रभागा सी बीच से आए हैं घूम के और यहाँ कोणार्क टेम्पल में टिकट ले लिया है टिकट काउंटर से। और टिकट किस तरीके का है देखो, जो मेट्रो में यूज होता है उस टाइप का है, 40 रुपये का है टिकट, लेकिन चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है, फोटो वगैरह तो अच्छा आएगा नहीं और पता नहीं देखेंगे क्या अभी। और रात को आए थे तो हालत खराब हो गया था, कल रात मतलब शाम को निकले थे 7 बजे और हम सुबह पहुँचे यहाँ पे 6:15 बजे के करीब, तो सनराइज हम देख नहीं पाए चंद्रभागा सी बीच में क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कोहरा हो गया था। 50 किलोमीटर लगभग हम कोहरा में ही आए, तो मैं ही ड्राइव कर रहा था, अभी हालत ख़राब। और ये बेचारे सोए नहीं हैं, अभी जाने के बाद थोड़ा सोएंगे फिर घूमेंगे। जाते हैं मंदिर के अंदर, वहाँ का वीडियो थोड़ा दिखाते हैं, दिखेगा तो और फिर चलते हैं पूरी सी बीच की तरफ। ये देखो सामने एंट्री गेट है और वहाँ से कोणार्क टेम्पल दिख जाता है, लेकिन आज कोहरा की वजह से कुछ दिख नहीं रहा है, तो चलो नज़दीक जाके आपको दिखाते हैं। उधर कहाँ भगा रहे हैं फिर, ये किसका है? और एक वो पीछे वाले का होगा। ये देखो ये एंट्री गेट है और पीछे वो दिख रहे हैं सन टेंपल, जो कि कोहरा की वजह से अच्छे से दिख नहीं रहा है। अब हम इस सीढ़ी से जाएंगे ऊपर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 16 सीढ़ी चढ़ के हम आ गए। ये देखो भाई, ये है सन टेंपल। द इनक्रेडिबल सन टेंपल।
ये जब मंदिर बना था समंदर के किनारे बना था, मतलब इसके अगल बगल में पानी था, और अभी वो समंदर लगभग 3.5-4 किलोमीटर दूर है यहाँ से। वहाँ ऊपर उसके चोटी से धर्मपद ने छलांग लगाई थी समंदर में। अब सूरज निकल गए हैं। मंदिर को इतने मेहनत से बनाया था अपने कारीगरों ने उड़ीसा के, लेकिन मुगलों ने आके ऐसी तैसी कर दी। वो उसे जो सबसे ऊपर है वहाँ पे एक मैग्नेट था बहुत ही बड़ा, और वो फ्रंट वाला गेट है मंदिर का, वहाँ पे भी एक मूर्ति था पूजा करने के लिए सूर्य देवता का, जो कि बोलते हैं कि बीच में झूल रहा था वो बिना किसी सपोर्ट के। लेकिन वो आए मुगल के शासक, कोई कुछ उठा के ले गया, कहीं कोई कुछ तोड़ गए, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ बचा है जो हम लोगों को इतिहास में पढ़ने के लिए मिलता है और इसको देखने के लिए मिलता है।